डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 का हमें पढ़ना है आर्थिक प्रणालियों के बारे में। इंग्लिश में बोला जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। लेकिन विशेषताएँ, प्रकार, इन सबको जानने से पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा कि ये आखिर ये जो आर्थिक प्रणालियाँ होती हैं ये होता क्या है, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है, किसे कहते हैं आर्थिक प्रणालियाँ। देखिए, विश्व में जितने भी प्रकार के देश हैं, जितने भी देश हैं विश्व में, सभी देशों की अपनी अलग अलग प्रकार की कार्य प्रणाली होती है। हर किसी को अपने अर्थव्यवस्था को चलाना होता है। तो आर्थिक प्रणाली का मतलब होता है अपनी अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के संचालन की विधि, कि आप अपने देश की आर्थिक क्रियाओं को किस प्रकार से संचालित करते हैं, किस विधि के आधार पर संचालित करते हैं, उस विधि को हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। ये आर्थिक प्रणाली वो है जिसके अंतर्गत उस देश की समस्त आर्थिक क्रियाएं, चाहे उपभोग हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे वितरण हो, निवेश हो, ये सब कुछ समाहित होता है और इसी प्रारूप, इसी सिस्टम के अंतर्गत सभी क्रियाओं को संचालित किया जाता है। अब विश्व के जितने भी देश हैं, हर देश की अपनी रूपरेखा होती है, अपनी अलग अलग प्रकार की कार्य प्रणाली होती है, हर किसी की अपनी अलग नीति होती है, सबकी अलग अलग थ्योरी होती है। ऐसे में विश्व में जितने भी देश हैं तो सबको अलग अलग प्रकार की कार्य प्रणाली तो भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो हुआ ये कि जो आर्थिक प्रणाली होती है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटा गया। यही दो 3 कैटेगरी है जिसके बारे में आज की इस क्लास में हमें डिटेल से पढ़ना है। जो आर्थिक प्रणाली है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको जो है हम दूसरे अर्थों में केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि इन दोनों का ही एक मिश्रित रूप है, दोनों की विशेषताओं को लेके बनाया गया है। अब ये है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्ट। आपने कई बार इस नाम का सुना होगा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इस अब जो है कैपिटलिस्ट कंट्रीज है। समाजवादी, सोशलिस्ट, जहाँ पर हर चीज़ समाज को ध्यान में रख के किया जाता है, समाज के हितों को ध्यान में रख के किया जाता है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो जो पिछड़े देश होते हैं, ना वो पूंजीवादी हो सकते हैं ना वो समाजवादी, तो उनको बीच का माध्यम अपनाना पड़ता है और वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। चलिए अब इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत देश के समस्त उत्पादन के संसाधनों पर, समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं पर, आर्थिक गतिविधियों पर जो है पूंजीपतियों का या निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। इस अर्थव्यवस्था में, आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। और इस अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता होती है लाभ अर्जित करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी उत्पादन के कार्य होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ करना। इनका जनकल्याण से, जनहित से कोई मतलब नहीं होता है, इनका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। लेकिन दूसरी बात यह है, अधिकतम लाभ तभी मिल सकता है जब लोगों को उत्पादन अच्छी क्वालिटी का देंगे, जब उत्पादन आपका बिक्री होगा, और बिक्री तभी होगा जब लोगों के वो पसंद आएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है जिससे लाभ में वृद्धि हो, क्योंकि ये सब कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है और निजी व्यक्ति जो हमेशा लाभ को ही प्रिफर करता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं अर्थव्यवस्था में, भूमि, पूंजी, उद्यमी और श्रम संगठन, और
उसका नियंत्रण और संचालन ये सब कुछ निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्यों? बात यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के हाथों में होता है इसलिए कहा जाता है। इसको बाजार अर्थव्यवस्था क्यों? इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था क्योंकि यहाँ पर कोई भी वस्तु का कीमत का नियंत्रण या जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उन सबको बाजार के अंतर्गत बाजार की शक्तियों यानी कि यहाँ पर मांग और पूर्ति के आधार पर निर्णय लिया जाता है। जो भी डिसीजन होता है ओपन मार्केट में लिया जाता है। वस्तु की कीमतों का निर्धारण करना हो, किस वस्तु का उत्पादन करना हो, किसको उत्पादन नहीं, ये सब बाजार के द्वारा तय होता है। बाजार की जो क्रियाएं हैं मांग और पूर्ति उसी आधार पर यहाँ पर सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए इसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन मुख्यतः लाभार्जन, जैसा कि मैंने कहा कि इस अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उत्पादन उपभोग के क्षेत्र में स्वतंत्रता होती है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं होता है और यहाँ पर समस्त आर्थिक समस्याओं का समाधान कीमत यंत्र यानी कि कीमत तंत्र यानी कि बाजार के द्वारा किया जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर भी एक लाइन में समझा दूं मैं आपको कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यह वह अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था की समस्त संसाधनों पर, उत्पादन के साधनों पर, आर्थिक क्रियाओं पर निजी स्वामित्व होता है, निजी नियंत्रण होता है। समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन बाजार के अंतर्गत होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब इस बाजार की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि एग्जाम में विशेषताओं को पूछा जाता है। तो सबसे पहली विशेषता है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। यहाँ पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। जैसे अमेरिका है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में आप जाएंगे तो अमेरिका में आपको एक भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जैसे भारत में गवर्नमेंट कंपनी की भरमार है, अमेरिका में कोई भी गवर्नमेंट सारी कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी होगी और वो भी सब हाईफाई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने तरीके से बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे में जब स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लाभ अर्जन उनकी अधिकतम होती है, तो प्रोडक्टिविटी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। और देखिएगा जितने भी विकसित देश है, आप कहेंगे जितने विकसित देश है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सभी जो है बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश है, पूंजीपतिवादी, क्योंकि यहाँ पर सभी प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन के साथ लाभ कमाना। ऐसे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, वहाँ पर जो है सरकारी नियंत्रण कम होने से रोजगार में वृद्धि भी अधिक से अधिक होती है, लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है। दूसरा, स्वतंत्र निर्णय लेना। इन लोगों को किसी भी प्रकार की आर्थिक निर्णय लेने के लिए किसी और पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने रूप से अपने तरीके से निर्णय ले सकते हैं। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सब कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा ही निर्णय लिए जाते। प्रतियोगिता का स्तर, इस बाजार की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता का स्तर होना, क्योंकि यहाँ पर किसी एक ही वस्तु के उत्पादन करने के लिए कई सारे कंपनीज होते हैं, मान लो ए बी सी, और ये तीनों ही अपने अपने कार का प्रोडक्शन करते हैं, ये लोग कार बनाने की कंपनीज है। तो ये तीनों ही कार जब बनाते हैं तो हर किसी को मार्केट में कार बेचना है, तो कार तभी बिकेगी जब मार्केट में उपभोक्ता उसकी कार को पसंद करेंगे और खरीदेंगे। तो ऐसे में प्रतियोगिता जितना ज़्यादा होगा उपभोक्ताओं को उतना ही फायदा होता है, उत्पादन का स्तर भी बढ़ता है। लाभ कमाने का उद्देश्य, इस बाजार का प्रमुख उद्देश्य होता है कोई भी क्रिया करो लाभ होना चाहिए, लाभ होना चाहिए तभी लाभ होगा, तभी उस वेतनों की वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। सरकार का इसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, किसी प्रकार का सरकार का काम होता है देश की जो है राजनीतिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। समस्त निर्णय कीमत तंत्र के द्वारा होता है। कीमत तंत्र यानी कि वस्तु की मांग तथा पूर्ति के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, उसी आधार पर उत्पादन का निर्णय होता है, उसी आधार पर वितरण का निर्णय होता है। ये प्रमुख विशेषताएं हैं। कोई भी डाउट होता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर इसमें ये डाउट हो रहा है। नेक्स्ट है
समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये वह अर्थव्यवस्था होती है जिस अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक निर्णय केंद्रीय एजेंसी यानी सरकार के द्वारा लिया जाता है, और इस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था में देश के लोगों के कल्याण के लिए काम करना, लोक कल्याण लोक हित के लिए काम करना, यानी कि समस्त उत्पादन समाज के लिए होता है, कीमत का निर्णय समाज के हित को ध्यान में रखा जाता है, यहाँ पर लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है। समस्त प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ, समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाएँ और समस्त संसाधनों के ऊपर सरकार का यानी कि समाज का अधिकार होता है, ठीक है। इसलिए इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम अगर कहें तो कौन है, चाइना, चीन है, उत्तर कोरिया है, जो समाजवादी यानी कि वहाँ पर हर चीज़ केंद्र यानी कि सरकार के हाथों में होता है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज या सरकार का नियंत्रण होता है और समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन समाज के द्वारा यानी कि समाज के हित के लिए किया जाता है। इस बाजार को केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की निजी व्यक्तियों को कार्य करने को तो दिया जाता है, लेकिन निजी क्षेत्र को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है, उनको सरकार की, जैसे चाइना में ऐसा नहीं है कि चाइना में प्राइवेट सेक्टर नहीं है, है, लेकिन सभी प्राइवेट सेक्टर को सरकार के अंडर में, सरकार के नियंत्रण में, सरकार के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए अपनी आर्थिक गतिविधियों को करना होता है। ध्यान में रखना है आपको इस चीज़ को। इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी कीमत का स्तर कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस होना चाहिए, इन सब चीज़ों का निर्णय समाज के हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। अब केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या है। नंबर एक, उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सभी आर्थिक निर्णय भी सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं। और इस बाजार की सबसे तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर कोई भी प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, सरकार के अधीन सरकार के अंतर्गत ही उत्पादन कार्य किया जाता है, सरकार ही बताती है क्या उत्पादन करना है और क्या उत्पादन किया जाए। ऐसे में जब सरकार ही सारे निर्णय लेती हैं तो प्रतियोगिता का होना तो यहाँ पर वाजिब नहीं है, प्रतियोगिता नहीं होती है। यहाँ पर सारा का सारा उद्देश्य जन कल्याण करना होता है, लोगों के हित के लिए काम करना होता है। जैसे 1991 से पहले भारत में प्राइवेट सेक्टर तो थे, लेकिन यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनियों का बोलबाला ज़्यादा रहा और प्राइवेट सेक्टर जो है सरकारी, सरकार के अधीन में रह के लाइसेंस लेने के बाद काम कर सकते थे। तो 1991 से पहले आप कह सकते थे कि भारत एक समाजवादी देश का है, नाम के लिए उन्होंने मिश्रित लिया, लेकिन सारा काम समाजवादी के हिसाब से होता था। समस्त निर्णय नियोजन तंत्र के द्वारा ही लिए जाते हैं, यानी कि इसके लिए पहले योजनाओं को तैयार किया जाता है, उसी आधार पर सारी आर्थिक क्रियाओं को संपादित किया जाता है। ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मिश्र रूप है जहां ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर बाजार अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का ही मिला जुला यानी कि मिश्र रूप है, यानी कि इन दोनों की विशेषताओं को लेकर ही मिश्रित अर्थव्यवस्था तैयार किया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कहते हैं वो कौन है, भारत है, बांग्लादेश है, ठीक है, अफ्रीका है, ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में चलते हैं। ये इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में जो भी आपके उत्पादन के संसाधन हैं, इन संसाधनों का प्रयोग निजी क्षेत्रों और सरकारी क्षेत्र दोनों के द्वारा ही समान रूप से किए जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों ही समान रूप से चलते हैं, दोनों ही संसाधनों का समान रूप से उपयोग करते हैं और दोनों ही आर्थिक क्रियाओं को समान रूप से चलाते हैं। यहाँ पर सरकार का नियंत्रण तो होता है, लेकिन निजी क्षेत्र को
स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की सहूलत भी दी जाती है ताकि वो भी उत्पादन कार्य बिना किसी रुकावट के साथ कर सके। 1991 के बाद भारत में जब एलपीजी पॉलिसी लागू हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण की नीति अपनाई गई थी, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता प्रदान की गई ताकि वो उत्पादन क्रियाओं को बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी नियंत्रण के आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार से भारत में सरकारी कंपनियां भी रन होती हैं, भारत में प्राइवेट कंपनियां भी हैं, भारत में विदेशी कंपनियां हैं, क्योंकि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे सटीक और सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बाज़ार की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो उत्पादन के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों का ही एक समान जो है स्वामित्व होता है, दोनों ही एक साथ मिलजुल के अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को पूरा करते हैं। समस्त आर्थिक निर्णय समाज के हित को ध्यान में रखते हुए बाजार द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाभ को भी देखना है, यहाँ पर लाभ भी कमाना है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक हितों को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि वस्तु की कीमत करण भले ही प्राइवेट सेक्टर करे, सरकार के द्वारा उस पर ध्यान रखा जाता है, नियंत्रण रखा जाता है, कीमत करण आर्थिक कल्याण के साथ साथ निजी लाभ को भी, क्योंकि निजी लाभ नहीं होगा तो निजी क्षेत्र उत्पादन कार्य नहीं कर पाएंगे। इस बाज़ार में प्रतियोगिता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी और निजी दोनों ही, तो दोनों ही क्षेत्र में प्रतियोगिता बनती है, तो यहाँ पर एक प्रतियोगिता, स्वच्छ प्रतियोगिता होती है, ताकि जिससे उत्पादकों को भी फायदा होता है, देश का भी फायदा होता है। तो ये रहा आर्थिक प्रणालियाँ, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो आपको कैसा लगा ये क्लास, आपको अच्छा लगा, टॉपिक समझ में आया, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बेझिझक अपने डाउट को मुझे बताइए, मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में ढाली सर को टाइप कीजिए और फॉलो कर लीजिए, और फेसबुक में फेसबुक पेज है कॉमर्स वैली के नाम से, न्यू पेज है लेकिन आपको फॉलो करना है, ताकि इसके थ्रू भी आप वेरियस इंफॉर्मेशन, कंटेंट, एजुकेशन, ये सब आपको लगातार मिलता रहे। तब तक ले थैंक यू एंड बाय।